49, 14/1/2013, 14/1/2013, मिस्टर राय सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू सॉफ्टटेक ट्रेडर्स। सॉफ्टटेक ट्रेडर्स को मिस्टर राय निम्न आइटम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? सबमर्सिबल पंप 30 पीस एट द रेट ऑफ 2500 रुपया। 2500 रुपया के हिसाब से 30 पीस बेच रहे हैं। और यह सॉफ्टटेक ट्रेडर्स जो है मिस्टर राय का क्या है? नया कस्टमर है, न्यू कस्टमर है। तो हम लोग न्यू कस्टमर के लिए, चलिए आप, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉफ्टटच ट्रेडर्स लेजर बनाएंगे। तो लेजर्स बनाने के पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, सब ग्रुप बना लेते हैं, प्राइस लेवल डेटर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स, ताकि जिनको भी हम लोगों ने प्राइस लेवल के आधार पर बेचा है उनका एक जगह लिस्टिंग हो जाए। चलिए तो सबसे पहले ग्रुप बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में आते हैं और यहाँ ग्रुप्स में इंटर बटन प्रेस करते हैं और सिंगल ग्रुप पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा सिंगल ग्रुप का ग्रुप क्रिएशन खुल गया है। अब यहाँ नाम लिखते हैं प्राइस लेवल, LEVEL लेवल डेटर्स, DEVTORS डेटर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स बनेगा। सन्ड्री डेटर्स के ये सब सब ग्रुप है, ठीक है। क्रिएट बिहेव लाइक ए सब लेजर, तो यस, इंटर बटन प्रेस करते चले जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट, यस। हमारा प्राइस लेवल डेटर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स बन गया। अब स्केप दाब करके बाहर निकलते हैं यहां से और अकाउंट इन्फो के लेजर्स में आते हैं और सिंगल लेजर में क्रिएट पर क्लिक किए और बनाते हैं हम लोग सॉफ्ट टच ट्रेडर्स, जिसे कि सेल करेंगे। सॉफ्ट TOUCH टच ट्रेडर्स, सॉफ्ट टच ट्रेडर्स बना लिए, इंटर बटन प्रेस करते हैं, इंटर बटन प्रेस किए, यह हमारा बनेगा किसके अंदर? प्राइस लेवल डेटर्स के अंदर में या लेजर बना रहे हैं प्राइस लेवल डेटर्स के अंदर में। और यह हमारा नया कस्टमर है तो न्यू कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइस सिंगल लेवल एप्लीकेबल हो जाएंगे तब इसके लिए। न्यू कस्टमर का मेंटेन बैलेंस बाय बिल, तो यस। चलिए और इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट, तो नो, इंटर बटन प्रेस किए, इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस किए और इंटर प्रेस किए, एक्सेप्ट, यस। हमारा लेजर भी क्रिएट हो गया। अब स्केप दाब के बाहर निकलते हैं और हम लोग गेटवे ऑफ टैली में चले यार। अब हम लोग परचेज सेल करते हैं, सॉरी सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं और यहाँ देखिए ऑलरेडी डिफॉल्ट रूप से सेल्स सेलेक्ट है। अगर नहीं होगा, मान लीजिए कि कॉन्ट्रा सेलेक्ट है और सेल्स सेलेक्ट करना हो तो एफेट सेल्स क्लिक करेंगे। एफेट सेल्स क्लिक करते ही सेल्स हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए यह घटना है 14/1/2013 की, तो F2 बटन क्लिक किए और डेट दे देते हैं 14/1/2013, इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस करते हैं और प्राइस पार्टीज नेम है क्या? सॉफ्ट टच ट्रेडर्स, एस क्लिक किए और सॉफ्ट टच ट्रेडर्स को सिलेक्ट करते हैं डाउन एरो से, इंटर बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस किए, हमारा प्राइस लेवल न्यू कस्टमर ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि हम लोगों ने लेजर क्रिएशन के दौरान ही प्राइस लेवल्स में इसका सेट कर दिया था सॉफ्ट टच ट्रेडर्स को न्यू कस्टमर। और इसे सेल करते हैं सबमर्सिबल पंप, एस क्लिक किए, सबमर्सिबल पंप, जैसे ही हम लोग क्वांटिटी देंगे कि रेट डिस्काउंट सब कुछ अपने से लिख देगा। क्वांटिटी हम लोग देते हैं 30 पीस, इंटर प्रेस किए, देखिए रेट हमारा लिख दिया 2500, डिस्काउंट भी लिख दिया 4%। यानी रेट और डिस्काउंट हमें लिखना नहीं है, सिर्फ हमें क्वांटिटी देना है। जैसे देखिए शिफ्ट टैब दाब करके हम लोग बैक जाते हैं और क्वांटिटी चेंज करके कर देते हैं 60 पीस, तब देखिए डिस्काउंट बढ़ के हो गया 8%। देखिए शिफ्ट टैब दाब करके क्वांटिटी में आए और हम लोग रेट क्वांटिटी कर देते हैं 15 पीस, तो देखिए डिस्काउंट नील हो गया। तो इस तरह से हम लोग जैसे ही क्वांटिटी डालेंगे कि रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें टाइप नहीं करना होगा। शिफ्ट टैब दाब करके आगे क्वांटिटी में और क्वांटिटी देते हैं क्वेश्चन के अनुसार 30 पीस, डिस्काउंट हो गया 4%। चलिए ये सेल हो रहा है, सेल्स एट द रेट ऑफ 50, सबमर्सिबल पंप है,
तो 4% होगा, सेल्स एट द रेट ऑफ 4% इंटरप्रेस की है। चलिए टोटल हो गया 72,000, 72,000 के नीचे आ गए और सेल हो रहा है इसलिए आउटपुट वैट होगा, तो आउटपुट वैट कितना होगा 4%, आउटपुट वैट 4% भी निकल गया। इंटरप्रेस कीजिए, इंटरप्रेस कीजिए, इंटरप्रेस करते हैं, यह हमारा हो जाएगा न्यू रिफरेंस। चलिए इसका रिफरेंस नंबर हम लोग दे सकते हैं, सेल्स कर रहे हैं एस डैश एस सॉफ्ट टी टी, सॉफ्ट टच ट्रेडर्स हो गया एस टी टी से, डैश पहला वाउचर है 01, इंटरप्रेस किए, ड्यू डेट हमें देना नहीं है, तो चलिए इंटरप्रेस करते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, इंटरप्रेस किए, इंटर एंड एक्सेप्ट। इस तरह से हम लोग प्राइस लेवल सेट करके भी सेल कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को।